मॉडल टाउन में जिस कोठी में हम रहते थे आज उसकी वैल्यू 200 करोड़ होगी। और जब हम उस कोठी से निकले थे एक रुपया भी हमने नहीं लिया, सब कुछ हमारे नाम पर था, लेकिन कोठी हमारी नहीं थी, सब कुछ हमारे नाम पे था, बिजली ये फलाना ढिमकाना, सालों से वहां रहते थे, एक रुपया भी नहीं लिया। अगर फर्नीचर भी गलती से आ गया तो वापिस भेजता उनका, तब नहीं जब हमारे पास करोड़ों रुपया था, तब की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तब की बात कर रहा हूं जब हमारा अपना 5 मरले का भी घर नहीं था और हमने करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ दी थी। उसको छोड़ने के बाद बूटा मंडी में हम किराए पे रहे हैं, वहीं हमारा गोडाउन था मेन रोड के ऊपर, वहां छोड़ना पड़ा क्योंकि काम बढ़ रहा था, बिजनेस बढ़ रहा था, खामरे में आए, यहां पे किराए पे गोडाउन ढूंढा जिसके ऊपर अभी भी मेरे माता पिता जहां किराए पे रहे हैं कितने साल। अब अगर उस कोठी में हम खड़े रहते कि नहीं शायद जाते वक्त 10 करोड़ ले जाएंगे, तो आज हम यहां ना होते जहां हम हर हफ्ते 1 करोड़ खर्चा करते हैं चर्च के ऊपर। लोगों को मालूम नहीं कि वो लालच करके खुद फंसते हैं, चोरी करके खुद फंसते हैं। जितनी चोरी करनी है कर लो, आपको और आपके वंश को इसी दुनिया में वापिस देनी पड़ेगी, जितनी करनी है कर लो, जाओ चैलेंज है मेरा। और परमेश्वर डबल लेता है वापिस, हमेशा याद रखना।